हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फिल्मी फैन फिक्शन। और आज मैं आप सबके पास हमारे न्यू फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था हमारा वी वांग जी से नाराज था क्योंकि वांग जी ने उसका मैसेज नहीं देखा था। दूसरी ओर हमारा वांग जी अपने सीफू चिरैन से मिलने गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। पर हाँ, उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा नॉइस है आसपास, तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना क्योंकि मैं अपनी भांजी के स्कूल में हूँ और एक खाली सा एरिया मिलते ही वहाँ आ गई रिकॉर्डिंग के लिए। माफ़ करना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे। हमारा विंग तो अभी भी मुंह बनाकर बैठा था और बार बार अपने फोन की तरफ देख रहा था। ओह, इस ईबो की इतनी हिम्मत! इसने मुझे बस दो बार कॉल किया और फिर कॉल ही नहीं कर रहा है। इससे तो मैं कभी बात नहीं करूँगा। हमारा विंग गुस्से में अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। नीचे चला आता है अपनी सर्वेंट आंटी के साथ खेलने, उसके घर की मेट के साथ खेलने। उसके घर पे एक प्यारी सी आंटी है जिसका नाम तो ज्योत्सना आंटी है, पर हमारा विंग उन्हें जो बेबी बुलाता है क्योंकि इसकी इस आंटी को हमेशा खूबसूरत और जवान लगने की कुछ ज़्यादा ही बीमारी है। इसीलिए हमारा विंग उन्हें प्यार से जो बेबी बुलाता है। एक बेचारा भूख कमारा शक्ल पे बच गए पौने बारा, विंग इसी तरह गाना गाते हुए नाचते हुए आ रहा था। विंग उनके पास आता है और कहता है, जो बेबी बताओ ना आज क्या बना है खाने में? खाने में तो आज बहुत कुछ बना है पर तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हारी मम्मी ने कहा है कि जब तक तुम अपना होमवर्क खत्म नहीं करते तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। क्या मतलब यार, अब मैं बच्चा थोड़ी हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। इसीलिए तो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, जब तक तुम अपना सारा असाइनमेंट ख़त्म नहीं करोगे तब तक खाना नहीं मिलेगा। समझे जान, अब तुम जाओ अपना काम ख़त्म करो, फिर मैं खाना दूंगी। जो बेबी, तुम मेरी बेबी हो ना, फिर तुम मम्मा को मैनेज कर लोगी, है ना? मुझे पता है तुम कर ही लोगी। पीछे से जान की मम्मी बोलती है, जान कितनी बार कहा है उसे आंटी बुलाओ। नहीं बुलाऊंगा, देखो ना मेरी जो बेबी कितनी क्यूट है, कितनी अच्छी है। वैसे मैं ये खाना लेकर जा रहा हूँ। वाओ, छोले भटूरे मेरे फेवरेट है, मैं इसके लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। हमारा विंग जल्दी से प्लेट में थोड़ा सा लेता है और वहाँ से दौड़ के भाग जाता है। जान की मम्मी और वो मेरा आंटी बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। ज्योत्सना आंटी जान की मम्मी से पूछती है कि आप दोनों सच में उसकी शादी लैंड क्लैन के लीडर से कराने की सोच रहे हो? हाँ बिल्कुल, दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। दोनों साथ साथ आए थे और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ हमारा जान ईबो को बहुत पसंद करता है और ईबो तो उसके पीछे लट्टू हो ही गया है। वैसे अगर दोनों की मंजूरी है फिर तो ठीक है, पर मैडम थोड़ा ख्याल रखिएगा। ज्योत्सना, एक तो मुझे तेरा समझ में नहीं आता, तो कभी तुम बोलती है, कभी तू बोलती है, कभी आप बोलती है, कुछ समझ में नहीं आता। ज्योत्सना अपने बालों पे हाथ फेरते हुए कहती है, मुझे खुद भी नहीं पता मैं कब क्या बोलती हूँ। असल में ये जान के साथ रहने का असर है। आपका बेटा तो पता नहीं मेरे दिमाग का स्क्रू कहाँ घुमा देता है, मुझे पता ही नहीं चलता। इसको संभालते संभालते मुझे अपना दिमाग फिर ढूंढना पड़ता है। ज्योत्सना, तू इसे इतना लाड करना बंद क्यों नहीं करती? क्यों? हाँ, क्योंकि जल्दी उसकी शादी होने वाली है, उसके ससुराल में तो साथ थोड़ी जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी शादी होगी। क्यों? क्या मतलब, वो हमारा जान है, कम से कम 2-3 साल तो अपने पीछे दोहराएगा ना। बात तो तेरी सही है, पर मुझे नहीं लगता कि इबो इतना वेट करेगा, वो भी बहुत मेहनत कर रहा है। पर हाँ, पहली बार किसी ने जान को इम्प्रेस कर दिया है। इससे पहले भी तो कितने सारे लड़के लड़की हमारे जान के पीछे पड़े थे, पर वो किसी से इम्प्रेस हुआ था क्या? नहीं ना? हाँ मैडम, बात तो आपकी सही है।
पर मैडम मुझे इस लड़के की चिंता तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी शरारतें, माय गॉड, कोई संभाल पाएगा? मुझे लगता है संभाल लेगा। पता नहीं क्यों, पर मेरा दिल बहुत खुश होता है जब मैं इन दोनों को साथ देखती हूँ। पीछे से जान के फादर आते हैं और कहते हैं, हाँ, पता नहीं क्यों मेरा भी दिल खुश सा हो जाता है दोनों को साथ देख कर। ज्योत्सना आंटी परेशान होकर कहती है, हाँ ठीक है, आप दोनों का ही दिल एक ही बात कह रहा है तो ठीक ही होगा। वैसे भी माँ बाप का दिल है, अपने बच्चे के लिए बुरा थोड़ी सोचेगा। दूसरी ओर हमारा जान अभी भी खाना खा रहा था और बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था। फिर उसे याद आता है कि उसने तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है। वो जल्दी से अपना फ़ोन ऑन करता है और देखता है कि ईवो के अब तक 15 मिस कॉल्स आ चुके हैं। जान एक छोटा सा स्माइल करता है और कहता है, आखिरकार, और करो, मुझे और ज़्यादा मिस करो। जान खुशी खुशी अपना पूरा खाना ख़त्म करके असाइनमेंट करने लगता है। दूसरी ओर हमारा ईबो यानी हमारा वांग जी, वो अपने सीफू चिरैन से बातें कर रहा था। वो उन्हें पूरा सच बताना चाहता था, पर उसे बहुत अजीब लग रहा था, वो पूरा सच बोल नहीं पा रहा था। पर फिर भी वो डिसाइड करता है कि अब तो बोल ही देगा। चिरैन भी सोच रहा था कि ये लड़का आखिर उससे छुपा क्या रहा है। आखिरकार एक ज़ोर से सांस लेकर वांगजी अपनी पूरी सच्चाई बता देता है। चिरैन तो ये सुनकर बिल्कुल शॉक्ड थे, और फिर पता नहीं कैसे चिरैन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मुझे तुम्हारी हर बात पर पूरा भरोसा है। वांगजी ये सुनकर बहुत खुश हो गया और अपने सीफू को गले लगा लिया, जो कि उसने पहले कभी नहीं किया था, शायद अपने बचपन में भी नहीं। वांग जी की आंखों में आंसू था। वो रोते हुए कहता है, सीफू, मैंने आपको बहुत याद किया। सीफू चिरैन कहते हैं, जब से मैं तुम्हें मिला हूँ, पता नहीं क्यों मैं भी तुम्हें मिस ही कर रहा था, पर अब मुझे सारे रीज़न पता है। वांग जी कहता है, सीफू, क्या आप मेरे साथ मेरे घर पे रहेंगे? नहीं, मैं चर्च की सेवा करता हूँ, मैं वहाँ से कहीं नहीं जा सकता। ठीक है सीफू, पर मैं आपसे मिलने आता रहूँगा। हाँ बिल्कुल, तुम जब चाहे आ सकते हो। वांगजी सीफू को ग्रीट करके वहाँ से निकल जाता है और फिर से विंग को एक कॉल करता है। अब फाइनली हमारा विंग कॉल उठा लेता है और कहता है, हेलो, किसी को कुछ कहना है क्या? वांगजी स्माइल करता है और कहता है, कहना तो बहुत कुछ है, पर यह नहीं। हमारा वांगजी कॉल कट कर देता है। अब तो जान का गुस्सा सर पे ही चढ़ गया, तुम मुझसे बात करते करते कॉल कैसे कट कर सकते हो? अब तो मैं ज़िंदगी में तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूँगा। हमारा विंग गुस्से में पाउट बनाकर टीवी देख रहा था। ज्योत्सना आंटी वहाँ आती है और कहती है, जान, तुमने खाना खा लिया? हाँ खा लिया है। क्या हुआ, अब फिर से क्यों मुंह बना कर रखा है? वो ईबो, वो खुद को समझता क्या है, उसने मेरा कॉल काटा, मुझसे बात करते करते फ़ोन काट दिया उसने। अच्छा, फिर तो उसने बहुत बुरा किया, उसे एक पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। जो बेबी, तुम्हारे पास कोई आइडिया है तो बताओ ना। जब भी वो तुमसे मिलने आए, तुम उसे कान पकड़कर उठक बैठक करने को बोलना, ठीक है? वो भी बहुत सारे लोगों के सामने, ताकि वो शर्मिंदा हो जाए। पर ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। अगर वो तुमसे सच में प्यार करता है, दीवानगी की हद तक, तो वो ये बेवकूफ़ी तो ज़रूर ही करेगा। पर अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता, तो वो नहीं कर पाएगा। ये तो एक अच्छा खासा लव टेस्ट हो गया, मैं ऐसा ही करूँगा। तो माय क्यूटीज़, आप सबको समझ में आ गया ना, हमारे जान के दिमाग में इतनी सारी उल्टी पुल्टी आइडियाज़ कौन भरती है? ये आंटी ही। जान के दिमाग के सुपर सुपर आइडियाज़ के पीछे इस आंटी का दिमाग होता है। पर आप सिर्फ ये मत सोचना कि सिर्फ ये आंटी ही है जो हमारे जान को बिगाड़ रही है। जान के शरारतों के पीछे का मास्टरमाइंड तो कोई और ही है, जो अभी आ रहा है, ऑन द वे है। हमारा विंग टीवी में एक प्यारा सा गाना सुन रहा था। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार में फिर क्यों डरता है दिल,
कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ, इतने में ही कोई आ गया वहाँ पर, जिसे देखकर हमारा जान जोर से चिल्ला कर कहता है मामू। हमारा विंग जाकर जियांग चेन के गले में झपट ही गया, टाइटली हग कर लिया और कहा मामू इतने दिन बाद आए हो, आखिर मेरी याद आ ही गई। हमारा आचिंग कहता है तुझे कितनी बार कहा है ना मुझे आचिंग बुला, मामू मत बुला, वैसे भी मैं तुझसे सिर्फ 5 साल बड़ा हूँ। हाँ तो इसमें क्या मेरी गलती है, इसमें नाना नानी की गलती है। अपनी बेटी की शादी के बाद उन लोगों को एक और बच्चा लेने की जरूरत क्या थी। नाना नानी कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं है। एक चुप कर, मेरे माँ बाप के बारे में तो मेरे सामने ऐसा बोल रहा है बदतमीज। ए आचिंग के बच्चे मामू गिरी मत कर। अच्छा ठीक है नहीं करूँगा। यानली मासी कब आएगी? वो भी आ रही है आज, पर क्या अपने बॉयफ्रेंड को साथ लेकर। फाइनली मासी ने शादी करने का डिसीजन ले ही लिया, वैसे भी वो बुजुर्ग हो रही थी, अब तो शादी कर ही लेना चाहिए। वैसे तुम सब मान गए हो ना, वैसे भी मासी मम्मी से सिर्फ 10 साल छोटी है, उनकी उम्र अब ढल रही है। क्या कहा जान, मेरी उम्र ढल रही है। यामली मासी आई लव यू अब कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ पर मेरी उम्र ढल रही है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो जान? मैं तो अभी स्वीट 16 हूँ। वैसे हाँ आप मुझसे बहुत छोटी दिखती हो मासी। आचिंग अब जोर से हंसने लगता है, जिजे आप पागल हो गई हो क्या, क्या क्या बोल रही हो? वैसे जान मैंने सुना है कि कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम्हारी शादी तय हो गई? शादी तय नहीं हुई है मासी, हो जाएगी। आचिंग जल्दी से विंग को हक कर लेता है और कहता है क्या मतलब इस ओर से भी कुछ कुछ होता है? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। अच्छा ये परखने के लिए तुमने सोचा क्या है? यानली पूछती है। फिर हमारा जान कहता है हाँ मासी मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, लेट मी गेस जो उस बेबी ने दिया है ना? हाँ बिल्कुल, इतने अच्छे अच्छे आइडियाज उसी के तो दिमाग में आता है, वरना मैं कहाँ इतना कुछ सोच पाता हूँ। फिर यानली कहती है हाँ तुम्हें बिगाड़ने के पीछे सिर्फ दो ही लोगों का हाथ है, एक तो वो तुम्हारी जोस बेबी और दूसरा ये तुम्हारा मामू आचिंग, शैतान का मास्टर। मास्टर नहीं जीजे मैं प्रोफेसर हूँ, और अब से मैं अपने लिटिल जान के कॉलेज में ही पढ़ाऊंगा, मैं अब से हमारे जान का प्रोफेसर हूँ। सच्ची मामू अब से तो कहीं नहीं जाएगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगा प्रॉमिस, पर हाँ तुझे भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या? आज से तुम मुझे मामू कभी नहीं कहेगा, सिर्फ आचिंग कहेगा, ठीक है? अच्छा ठीक है मैं आज से तुझे आचिंग ही कहूँगा। हमारा जान सबसे बातें करने लगता है और कहता है मासी नाना नानी कब आएंगे? तुम्हारे नाना नानी 3-4 दिन बाद आएंगे। ओ वाह, नानी को कहा है ना मेरे लिए ढेर सारे अचार लाने के लिए? हाँ बिल्कुल ज़रूर लेकर आएगी। तो माय क्यूटीज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय क्यूटीज, बाय बाय बाय।